हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल यूनिक डिश में बहुत बहुत स्वागत है। आज यूनिक डिश में मैं लेकर आए हूँ कच्चे नारियल से बने एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले लड्डू की रेसिपी। ये लड्डू बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से घर पर बनकर तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस लड्डू बनाने की रेसिपी को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 कच्चे और एकदम ताज़ा नारियल। फ्रेंड्स, आपने सूखे नारियल के लड्डू तो बहुत बार बनाए होंगे, एक बार आप कच्चे नारियल से इस तरीके से लड्डू बनाकर देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब जो इसके पीछे वाले भाग पर छिलका लगा है उसे चाकू की हेल्प से उतार लेंगे। आप चाहे तो बिना छिलका उतारे भी लड्डू को बना सकते हैं, इसे टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हमने यहाँ सारे नारियल पर से छिलके उतार लिए हैं। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने से ये बहुत ही आसानी से पीस जाते हैं। अब इस नारियल को डालेंगे मिक्सर जार में और इसे पीस लेंगे। हमने यहाँ नारियल को पीस करके तैयार कर लिया है। इसे एकदम बारीक नहीं पीसा है, हल्का सा दरदरा ही रखा है, इससे लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ गैस पर रखेंगे एक मोटे तले की कढ़ाई और बिना घी डाले ही पिसे हुए नारियल को कढ़ाई में डाल देंगे। अब यहाँ गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो के बीच में रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि इसे हमें ज़्यादा तेज आंच पर नहीं भूनना है, नहीं तो नारियल का कलर चेंज हो जाएगा और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसे भूनते हुए 4 से 5 मिनट का समय हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर हल्का सा चेंज भी हो चुका है। अब ये थोड़े से खिले खिले जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो बस अब हमें इतना ही भूनना है। तो अब इसमें डालेंगे मावा। मावा हमने 150 ग्राम लिया है। आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ मावा को घर पर तैयार किया है, आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं। मावा डालने के बाद इसे नारियल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी तरह से लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर ही इसे अच्छे से और भून लेंगे, ताकि जो भी इसमें मॉइस्चर हो नारियल में और मावा में वो ख़त्म हो जाए। इससे ये होता है कि लड्डू लंबे समय तक ख़राब भी नहीं होते हैं, इसलिए नारियल और मावा को भूनना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब इसे भूनते हुए 4 से 5 मिनट का समय हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके तले में हल्के सुनहरे कलर का दिखाई दे रहा है, तो अभी अच्छे से भून चुके हैं। या फिर इस मिश्रण को थोड़ा सा हाथों में लेकर देख लेंगे, अगर हाथ में घी जैसे लग रहा है तो अब ये अच्छे से भून चुके हैं। अब यहाँ गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को निकालेंगे किसी दूसरे बर्तन में और इसे थोड़ी देर तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसे थोड़ी देर तक ठंडा करने के बाद हाथों से चेक करेंगे कि ये मिश्रण गर्म तो नहीं है। जब ये एकदम ठंडा हो जाए तो अब इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी। मैंने यहाँ चीनी 1 कप लिया है। वेट में ये 200 ग्राम के करीब है। चीनी की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ लेंगे फ्लेवर के लिए 3 से 4 कुटी हुई छोटी इलायची और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद जितने बड़े साइज़ के हमें लड्डू बनाने हैं उतने साइज़ के हम इस मिश्रण को लेंगे और हाथों पर गोल गोल घुमाते हुए इसके लड्डू तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ नारियल में मावा डाला है तो ये बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। अब लेंगे यहाँ पर नारियल का बुरादा और इस लड्डू के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे, इससे ये लड्डू दिखने में और भी सुंदर लगते हैं। हमने यहाँ सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। थोड़े से कटे हुए पिस्ता से मैंने इसकी गार्निश कर दी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये लड्डू दिखने में कितने ही सुंदर लग रहे हैं। जितना देखने में ये सुंदर लग रहे हैं उतना ही ये खाने में स्वादिष्ट भी लगते हैं, और बहुत ही कम समय में और बहुत इजी तरीके से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस त्यौहार या व्रत में इस लड्डू की रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।